Okay, so hello guys, welcome back to the part 3 of the gameplay. Okay, so अभी हम वापस अपना जो जर्नी है वो हम रिज्यूम करेंगे जहाँ पे लास्ट टाइम से हमने जहाँ पे स्टॉप किया था. तो ठीक है, तो फिर चालू करते हम लोग. पहले देखते ये चीज़ क्या है इधर. ये शायद से कुछ तो पास है, कुछ तो कलेक्शंस के लिए जो हमें मिल सकते हैं उसके थ्रू. तो अभी तो हमें सीधा रिज्यूम करना है, तो हम चलते हैं हिडन फॉरेस्ट. हिडन फॉरेस्ट में थे हम लोग. यस, तो हमें हिडन फॉरेस्ट में जाना है. ओके तो गाइस, लास्ट टाइम हम लोग यहीं पे हम लोग थे जहाँ पे हमने स्टॉप किया था. तो यहाँ से हम अभी आगे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें एनकाउंटर होती है, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आगे. लास्ट टाइम हमने इधर ही बैठ के बात की थी, अगर आपको याद होगा तो वही जगह है. ओके, तो अभी इधर तो कुछ वैसे है ही नहीं अभी कुछ अलग से जो हमें चाहिए. ये तो वही एक्सप्रेशंस के लिए है जो हम अपग्रेड कर सकते हैं लेवल्स को. एंड इधर अलग अलग आउटफिट्स है जैसा आपको बताया था लास्ट टाइम. ओके, तो अभी हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ. ओके, तो अभी हमें चलना सामने. ओके सो गाइस, अगर याद होगा तो लास्ट पार्ट में जो पार्ट 2 है उसमें गाइस हमने वो बारिश वाला लोकेशन देखा था जहाँ पे बारिश हो रही थी वो लोकेशन में, और हम उधर थोड़े बहुत आगे जा चुके थे. तो यही पे हम लोग वापस आए हैं, वापस हम रिज्यूम कर रहे उधर से. तो ये वो जगह थी जहाँ से हम लोग एंटर हो गए और जहाँ से वापस मतलब वो बारिश चालू होगी. मतलब अभी इधर से जैसे हम एंटर करेंगे तो वो वाला पार्ट आएगा. तो दरवाज़ा वैसे भी ऑलरेडी हमने अनलॉक कर लिया था लास्ट पार्ट में. तो चलते हैं अंदर. एंड इधर जैसे हमने इनकाउंटर किया था रेन ड्रॉप्स, तो वो होगा. ओके गाइस, तो ये रहा हमारा लोकेशन. एंड इधर से अभी हमें आगे जाना है. ठीक है, थोड़ा कलेक्ट कर लेते हैं फ्लेम्स, थोड़ा लाइट कैंडल्स के लिए. शायद से हमने ये रीलिफ्ट कर लिया था ये स्पिरिट. यस, वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. हाँ, हमने लास्ट पार्ट में ही कर लिया था इसलिए हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी ये इधर से एंटर करते हैं जहाँ से हम इधर से आगे जाना बाकी है हमारा. लास्ट में हमने एक्सप्लोर नहीं किया था ये वाला पार्ट.
तो अभी टोटल हमारे पास गाइस 7 कैंडल्स हैं, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो पॉप अप हो रहा है। तो ये कैंडल्स बहुत काम आते हैं, मतलब जैसे कोई भी अगर हम स्पिरिट को अगर हमें लाइट करना है, उनको फ्री करना है, तो या तो कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करनी है तो उसके लिए। ओके, तो गाइस हमें लेवल कौन सा लेवल मिला है हमें विंग का? ओके, तो हमने अपग्रेड कर लिया है विंग के लेवल को। ओके, कुछ ज़्यादा ही टॉल ट्रीज है, बहुत ज़्यादा टॉल, बहुत ज़्यादा हाइटेड है। काफ़ी सही है, काफ़ी मतलब हल्का फुल्का डार्क है एंड इट्स क्वाइट गुड। ये शायद से हमें हेल्प करते हैं थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में। ठीक है, तो अभी तो शायद से हमें आगे ही जाना है, आसपास तो आजू बाजू तो कुछ है नहीं शायद से, पता नहीं। ओके, तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा जो हमें रीलिव करना है वापस, एक स्पिरिट एक और मिला हमें। ओके, तो हमें एक जगह से दूसरे जाना है उड़ के इसमें। तो ओके ठीक, चलते आगे। ये कोई तो शर्माने वाला एक्सप्रेशन है, पता नहीं कुछ अलग है ये वाला, देख के तो वैसा ही लग रहा है, थोड़ा शाय वाला एक्सप्रेशन है। तो एक और ऐड हो गया हमारा लिस्ट में। ठीक है, चलो तो चलते आगे। एक और स्पिरिट मिला हमें, कुछ मेमोरी इसका भी रिलीव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको लाइट कर लेते हैं। ठीक है, चलते आगे।
ये शायद से कोई तो गुस्से वाला पोज है। शायद से ये जो जितने भी हमें नए नए जेस्चर्स मिल रहे हैं अलग अलग स्पिरिट्स के थ्रू, तो आई फील कि ये मोस्टली हम जो भी दूसरे प्लेयर्स हैं हमारे सामने, उनको ये चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मेनली उसका वही यूसेज होगा, क्योंकि बाकी तो कुछ और चीज़ों में तो हम आई डोंट थिंक इसका कोई यूज़ है, जैसे भी जो भी प्लेयर्स हैं आजू बाजू जो खेल रहे हैं मेरे साथ, तो उनके सामने ये चीज़ हम कर सकते हैं यूज़। सो बेसिकली इट्स जस्ट फॉर यू नो फन, मतलब एक फन के लिए उन्होंने बनाया ये चीज़ ताकि मैं से यूज़ कर सकूँ। ये तो अभी चलते ऊपर। तो अभी हमें एक और विंग यू नो अपग्रेड मिलेगा, जो मिल गया हमें लेवल 6 हमें मिल गया है। तो और हमें ढूंढते रहना है, ये और बढ़ता ही जाएगा ये जो भी विंग का लेवल है। एंड यस गाइस, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि जैसे ये जो स्पिरिट्स है, तो जैसे ही हम वो स्पिरिट्स को लाइट करते हैं एंड जैसे ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो सपोज मान लो कि हम लोग वो उस स्पिरिट के पास टाइम पे नहीं पहुँच रहे, शायद से इसमें कोई तो टाइम लिमिट भी रहता है कि अगर आप वो स्पिरिट को फॉलो नहीं किया आपने, तो फिर यू नो वो फिर वापस उसी जगह पर आप पहुँचती है जहाँ से आपने लाइट किया था। तो शायद से देर इज़ सम टाइम लिमिट कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम एस्टिमेटेड टाइम में आपको उनको फॉलो करना है और रिलीव करना है। तो ये एक चीज़ है जो बतानी थी। तो जब भी हम लोग उनको लाइट करते हैं स्पिरिट को, तो जितना जल्दी हो सके उतना उसको फॉलो करके उनको फ्री करना है हमें स्पिरिट को। इधर है कुछ तो एनर्जी, हमने रीफिल कर लिया है कैंडल्स को, टोटल 11 कैंडल्स है हमारे पास। एंड काफ़ी सही है अभी तक, कैरेक्टर का जितना भी एनर्जी है काफ़ी सही है। कैंडल्स है अच्छे खासे, विंग लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो इट्स क्वाइट गुड। ओके सो गाइस, हमें जाना है सामने की तरफ जहाँ पे शायद से बहुत सारे कुछ तो फ्लाइंग क्रीचर्स है, आई एम नॉट श्योर व्हाट, शायद से बर्ड्स है, आई एम नॉट श्योर, या तो ये स्टिंगरेज है, वो सब लोग जा रहे होते तो हमें उधर जाना है। Okay. चलते हैं सीधा सीधा, आजू बाजू तो कुछ है नहीं, शायद से एक्सप्लोर करने के लिए। और गाइस, ये जो आपको दिख रहा है राइट में जो है कैक्टस टाइप, जहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू टाइप आपको दिख रहा है, इस चीज़ को हमें यू नो एक्चुअली मारना होता है, मतलब फिनिश करना होता है इस चीज़ को अपने कैंडल के थ्रू। तो इससे हमें थोड़ा बहुत रीफिल मिल जाता है। चलते आगे।
के तो पता नहीं गाइस, अगर आपने नोटिस किया कि कैरेक्टर जो है वो बर्न आउट हो रहा है, मतलब उसके जो कैरेक्टर में जो ब्राइटनेस है, जो अभी जो ब्राइटनेस दिख रही है वो अभी कुछ देर पहले वो काफ़ी डल हो गया था, काफ़ी डार्क हो गया था उसका जो बॉडी कलर है, तो आई एम नॉट श्योर वो क्यों हुआ था एग्जैक्टली. इसका मतलब ये कि इसकी भी मतलब लाइफ है, एनर्जी है इसमें, स्टैमिना है जो डिप्लीट होता है, तो वो चीज़ भी है. अगर जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा कलरफुल है, काफ़ी लाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है. ओके, तो अभी हमें इसको रिलीव करना है. कुछ तो टाइम है इसमें, टाइम लिमिट है शायद से इसमें. यस ओके, तो अभी हमें जाना है आगे. जैसे ही हमने इसको फ्लेम किया तो लाइट किया, ये सारी चीज़ें मूवमेंट क्रिएट हुई. नाइस. ओके गाइस, तो अभी विंग जो फ्लाइंग एबिलिटी वो थोड़ी सी कम हो गई है, एनर्जी कम है, उसको थोड़ा रीफिल होने देना पड़ेगा. ये वापस बर्न आउट हो गया. तो शायद से ऐसे भी हो सकता है गाइस कि ये जो कैक्टस है जो हमारे राइट साइड में, जो ब्लू कलर के, जिसको हमें लाइट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि अगर आप उसके सामने गुजर रहे हो तो यू नो वो आपकी पूरी एनर्जी यू नो ले लेता है. अभी मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ को हम यू नो रीफिल कर सकते हैं. ओके, हमें कुछ मिला है. ओके, ये रहा, ये इधर से हमें मिल सकता है. वो सामने जो फ्लेम से खड़े थे छोटे, ओके इधर से मिल जाएगा, हमें इधर से मिल जाना चाहिए हमें. यस, देखते हैं इधर अंदर क्या है. ओके, एक और स्पिरिट. कुछ तो मतलब ये बता रहे हैं ये स्पिरिट्स कि क्या इंसिडेंट हुआ था उनके साथ. ओके, तो हमें फाइनली हमें इनको फ्री करना है. ये शायद से कोई तो रोने वाला जेस्चर है.
ओके, तो अभी इधर से चलते बाहर, क्योंकि जो मेन हमारा जो इधर काम था वो हमने कर लिया है, जो स्पिरिट था वो हमने रीलिव कर लिया, और बाहर की साइड चल के देखते हैं हमें आगे जाना है उस मेन जगह पे सामने, जो जो बड़ा सा सामने दिख रहा है। ओके, तो एक और सामने कुछ तो लाइट हो रहा है, शायद से वो भी शायद से स्पिरिट है, नॉट श्योर, लेट्स सी। एनर्जी काफ़ी डिप्लीट हो रही है। ओके, तो मुझे फॉलो करना है इनको, ये चीज़ को लेके। ओके, तो इसमें शायद से कोई तो टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के पहले हमें मतलब फॉलो करके हमें फ्री करना है उस चीज़ को। ओके, तो ये टाइम मेरा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, बहुत काफ़ी कम टाइम है, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो ये तो हमने मिस कर दिया एक्चुअली, वो वापस हमें करना पड़ेगा इसको, वापस जाके उधर। अब शायद से पहुंच जाना चाहिए। यस, हो गया। चलो, तो इनको भी फ्री करते हैं। ओके, तो हमने उसको फ्री कर लिया, तो अभी हम इधर से चढ़ के जाते सीधा उस तरफ जहाँ पे हमें जाना है, मीन चलते सीधा एंड लेट्स सी आगे क्या है। तो एक और, ओके ओके ठीक है, लैंड ऑन एंड जंप ऑफ क्रीचर्स ऑफ लाइट टू रीच न्यू प्लेसेस। ओके, तो गाइज हमें अब इनके थ्रू हमें आगे जाना है एंड
सब देख सकते हो ये हमें हेल्प कर रहे हैं यू नो सामने की तरफ जाने के लिए. इट्स क्वाइट क्रिएटिव, काफ़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव है कॉन्सेप्ट इनका, मतलब चीज़ों को लेके, अलग अलग क्रिएचर्स को लेके, उनकी एबिलिटीज़ को लेके. तो यही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्रिएटिविटी है, जो इस गेम को काफ़ी यू नो अलग बनाती है. तो सो दैट्स व्हाई इट्स रियली अमेजिंग गाइस. तो इट्स रियली फन. कि तो हम पहुँच गए, अभी चलते सामने एट लास्ट. सही लग रहा है, बहुत सही. इधर से अभी हमें शायद से ऊपर ही जाना है, लेकिन इधर से क्लाइम कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा. ठीक तो ये तो बहुत बड़ा मतलब प्लांट है ये, जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है वैसे तो. और ओके, दूसरे प्लेयर्स जो है वो उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि वापस ये रीग्रो हो रहा है. चलते उनकी मदद करते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने में. सबसे पहले तो मुझे उस पर चढ़ना पड़ेगा. ये पता नहीं क्या है, ये कुछ अलग ही इंसेक्ट टाइप लग रहा है. इसको ऊपर कहीं पर रख देता है. इसका तो कुछ यूज़ नहीं है वैसे, पता नहीं. ओके तो अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर से इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ये प्लांट को. ओके तो फाइनली हमने सबने डिस्ट्रॉय कर दिया इनको. चलते हैं ऊपर जहाँ पे हमें जाना है. ठीक है,
चलो अब चलते आगे। अभी शायद से हमें कुछ नया लोकेशन मिलेगा देखने को। तो ये रहा हमारा नया लोकेशन एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग गाइस। बहुत सही लग रहा है, काफी काफी अलग है, काफी अलग है। ओके सो गाइस मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो आज हमने काफी कुछ डिस्कवर कर लिया, काफी एक्सप्लोर कर लिया। तो गाइस फिर अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी कुछ मतलब देखा है, हम नेक्स्ट पार्ट में चले गए। नेक्स्ट मतलब लोकेशन में हमने हम रीच हो चुके हैं। तो टिल देन मतलब मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट के साथ।